आज हम जनपद प्रतापगढ़ के सराय सुजान ग्राम सभा में खड़े हैं। सामुदायिक शौचालय आपके सामने है। पूर्व प्रधान के द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। इसकी अंदर की तहकीकात की गई है। इसकी टॉयलेट सीट वगैरह बैठ चुकी है और ये सामने आप देखिए सामुदायिक शौचालय पर इंडिया मार्ग का नल लगा हुआ था जिसमें मरम्मत के लिए मिस्त्री लगे हुए हैं। और दाहिने हाथ पे देखिए यहाँ से गांव की सरकार चलनी है। गांव की सरकार चलती है ग्राम प्रधान के दम पे, पंचायत भवन पे। पंचायत भवन ये पूर्व प्रधान के द्वारा चालू किया गया था। इतना पैसा इसका निकला है, ऑनलाइन व्यवस्था हम इसको करेंगे। हमारे साथ वर्तमान प्रधान भी मौजूद हैं, उनकी बाइट भी हम लेंगे कि कितना रुपया आपने निकाला है। और ये देखिए ये पंचायत भवन है, 22 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है कि यहाँ से गांव की सरकार चलेगी। गांव की सरकार की हकीकत तस्वीर, अभी शासन सत्ता के 3 मंत्री आए थे, तीनों मंत्रियों ने समीक्षा बैठक किया, चले गए। शासन के प्रमुख सचिव भी आए, जनपद स्तर के अधिकारियों ने आल इज वेल दिखा दिया। और मैं धरातल पे आपको दिखा रहा हूं कि सराय सुजान का पंचायत भवन है क्या। प्रधान जी, वर्तमान में जनता जनार्दन ने आपको प्रधान बनाया है। जी। आपके सामने सामुदायिक शौचालय है। हम लोग पत्रकारों की टीम आपके समक्ष आई हुई है। आपके द्वारा इंडिया मार्ग का खराब था, आप बनवा रहे हैं। सामुदायिक शौचालय के कंडीशन हमने देखा, इसमें सीट वगैरह सब टूट गई है, बैठ गई है, लोगों को जाने में डर भी है। केयर टेकर भी काम कर रही है यहाँ पे और घास वगैरह की छिलाई कर रही है। वो केयर टेकर हैं, कैमरा पर्सन दिखाइए आप, वो यहाँ के केयर टेकर हैं। और हमारे साथ प्रधान जी हैं, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, पूरा मामला ऐसा है कि पूर्व प्रधान ने सामुदायिक शौचालय बनवाए थे, जो जीर्ण शीर्ण हो गया है उसको मरम्मत के लिए एडीओ पंचायत से कह चुके हैं। उसको जो पैसा अलाट होगा या नहीं होगा तो उसको मैं जीर्ण शीर्ण को मरम्मत करा दूंगा। प्रधान जी, एक बात पूछना चाहते हैं, अभी तक ये जब अपने कार्यकाल में जब से आप प्रधान हुए हैं, क्या सामुदायिक शौचालय के लिए एक भी रुपए निकाले हैं आप? जी, कितना निकाले? एक पेमेंट दिए हैं, सिर्फ एक पेमेंट दिए, वे सारा पेमेंट बचा है। मतलब इस समुदाय शौचालय के लिए आपने कुछ पैसा निकाला है? नहीं, हमने समुदाय शौचालय का एक पैसे नहीं निकाला है अपने कार्यकाल में, नहीं निकाला अपने कार्यकाल में एक पैसे नहीं निकाला है। अब आइए बात करते हैं, ये पंचायत भवन देखिए प्रधान जी, ये आपका पंचायत भवन है। पूर्व प्रधान के द्वारा ये भी बनाया गया है। 22 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है शासन द्वारा। गांव की सरकार, आप अपने गांव की सरकार यहां से चलाएंगे और ये तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में है, इसका कारण क्या है? जी सर, जब हमको ये पंचायत भवन मिला, अधूरा मिला था, इसकी नई खुदाई हुई थी, उसके बाद मैंने इसको ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार बीच में कुछ नई खुदाया, उसके बाद ठेकेदार एक्सपायर हो गया। कौन है? अच्छा, ठेकेदार खत्म हो गया। ठेकेदार खत्म हो गया, जीतलाल सरोज ठेकेदार थे। अच्छा, कहाँ के थे ये? कहाँ के थे? खजौरी के। खजौरी के जीतलाल सरोज ठेकेदार थे, उसके बाद उसने एक्सपायर हो गए, इसको मैंने अपने अंडर में ले लिया। तो ग्राम विकास अधिकारी ने जो धन दिया मैंने इसमें लगा दिया। अब इसमें हमको काफ़ी धन हमको बाकी है, उसको देना भी है। प्रधान जी, जो इतना दिख रहा है, जितना बना है, लगभग आपने कितना धन निकाला होगा इसके लिए? इसमें लगभग 2 लाख रुपए निकाले हैं। 2 लाख जी। इसके बाद इसमें पैसा क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गौतम। कौन सा ग्राम सभा है? सराय सुजान। हिंदुस्तान टीवी टुडे पे अवनीश कुमार मिश्रा के साथ हर छोटी बड़ी खबर पर नजर है, आप जुड़िए हमारे साथ।